बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक और वैसे सभी नागरिक जिन्होंने आज के इस नौटंकी श्रृंखला का बहिष्कार किया है, उन सभी को मेरा नमस्कार, चरण वंदन। और साथियों, जैसा कि आप देखे ही हैं कि आज की जो मानव श्रृंखला है, इसको नौटंकी ही कहिए, इसको बिहार की जनता ने कैसे नकारा। और सब जानते हैं कि सरकार करती कुछ और है और करती कुछ और है, चाहे वो दहेज बंदी हो चाहे नशा बंदी हो, परिणाम हम सबके सामने है। मैं दूसरी बात नहीं करूँगा, एक बात कहूँगा कि ये जो बिहार के नियोजित शिक्षक बंधु जितने हैं और जिस जिस ने सरकार के विरोध में अपने मन में जो भी बातें पाल रखी हैं कि हमको समान काम का समान वेतन नहीं मिला या जो भी नहीं मिला, मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ आज मैंने देखा कुछ वैसे भी शिक्षकों को कि किसी किसी जिले में ये लेटर निकाला गया कि विद्यालय पे उपस्थित होना अनिवार्य है, और वो बिल्कुल किसी की बात न सुनते हुए चुपचाप विद्यालय पहुँचे, विद्यालय खोले और यहाँ तक कि फोटो भी शेयर कर रहे हैं गर्व के साथ, और मानव श्रृंखला में उन्होंने भाग भी लिया। तो भाई, मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सी प्रजाति के शिक्षक हैं आप लोग हैं? एक तो कहते हैं कि सरकार से लड़ेंगे, ये लड़ेंगे, वो करेंगे, क्या लड़ेंगे जी है? आप लोगों का वेतन जो है 10,000 मिले ना, वो भी आप जैसे शिक्षकों का ज़्यादा लग रहा है। कल को जाके फरमान जारी कर दिया जाए कि आपको 5,000 में पढ़ाया जाएगा, दे के पढ़वाया जाएगा, आप जिसे शिक्षक ना मुंह लटका के ऐसे ही और चरण चाट के उनका और तैयार हो जाएंगे, ठीक है? अरे, सरकार से जब लड़ना है ना तो एक दिन का वेतन मत दिखिए, अब फिर क्या हड़ताल करेंगे आप हैं? हड़ताल तो असंवैधानिक है, करिए जरा। स्पष्ट लिखा हुआ था कि इस कार्यक्रम में किसी की भागीदारी स्वैच्छिक होगी। आप लोग पढ़े लिखे बेवकूफ लोग हैं, विद्यालय चलो विद्यालय, क्या उखाड़ लिए जाके विद्यालय, का उखड़ जाएगा एक दिन में, एक दिन का? अरे, ज्यादा से ज्यादा बड़ा नुकसान आपके दिन का वेतन का होगा, कैसे नुकसान हो जाएगा भाई? ये तो समझ में आता नहीं है। और लड़ेंगे लड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अच्छा, एक और बात, ये जो आम शिक्षक का चोला पहन के ये आप लोग जो नेताओं को गाली देते हैं कि नेता ही नहीं किया, वो नहीं किया, काहे करेगा जी? आप जैसे फट्टू लोग जिसके पीछे हो कैसे नेता बन जाएगा? पता चला कि हाँ 10 लोग हैं भाई हमारे पीछे, चलिए हम नेता बनते, क्या नेता बनेगा जी? कौन बात हुआ बाद में नेता को दोष दे दो, ए नेता ऐसा है वैसा, अरे तो बनो ना, तुम में क्षमता है तो आओ। मैं भी एक शिक्षक हूँ, आप बोल के हमारे पास फोन आया कि आइए आपका ड्यूटी लगा, मतलब जौन उखाड़ना है उखाड़ लीजिएगा, नहीं आएंगे आज, और नहीं गए, क्या होगा? सरकार से लड़ना है तो हिम्मत रखिए, मादा रखिए, ऐसे आप कोई वेतन मान देंगे नहीं। और रही बात पार्टी की, पॉलिटिक्स की, तो सबका अपना अपना विचार है, लेकिन ये सोचिए कि जिस सरकार ने आपको नहीं दिया, अगर वो फिर से नहीं देने के विचार में है तो आप इसके साथ क्या करना है, ठीक है? तो हिम्मत लाइए, इतना ही कहूँगा, ताकि अपने आप को आईना में खड़ा होकर देखिए तो कहिए कि नहीं, मेरे में हिम्मत है और मैं नहीं गया और सरकार के विरोध का क्षमता रखता हूँ। कल को जाकर सरकार ही कहेगा कि हमारे लिए जाके वोट मांगे, तो आप वोट मांगिएगा क्या है? लोकतंत्र ना है जी। चलिए, लगे रहिए, मैं तो लगा हूँ और अपने आप पे गर्व होता है, कम से कम मैं नहीं गया और मैंने इस मानव श्रृंखला का विरोध किया, इस नौटंकी का। पेड़ लगाइए, जल जीवन हरियाली जो कार्यक्रम है, हरियाली लाइए, पर्यावरण की रक्षा कीजिए। नीतीश कुमार काहे नहीं कह देते हैं अब सब विधायक से कि अपने विधायक जो जितने हैं वो अपने अपने क्षेत्र में जाके हर एक रविवार को वृक्षारोपण कराएं, चाहे वैसा बिल पास कराते आप सदन में, जितने विद्यालय हैं सबको वृक्ष लगाना है, हर हफ्ते वृक्षारोपण हो, कार्यक्रम चलाइए, कहे नहीं आएगा हरियाली, उसका निरीक्षण कराइए। तो ये नौटंकी करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं आप? खासकर शिक्षक बंधु, आप तो जग जाइए, आपका भला इसी में है। चलिए, जय हिंद, जय शिक्षक समाज।